उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में योगी सरकार को पहले ही दिन 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला। लखनऊ में दो दिन के यूपी इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के 5,000 से ज्यादा उद्योगपति और सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। दो दिन में 30 से ज्यादा सेशन होंगे। इस दौरान 900 एमओयू साइन होंगे। सीएम योगी ने कहा कि ये समिट यूपी में रोजगार के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। हमारा लक्ष्य आगामी 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख रोजगार का सृजन करना है। योगी ने कहा कि यूपी में टूरिज्म से सर्विस तक हर सेक्टर में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने भी कहा कि यूपी नया यूपी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मैं मन से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में उभर रहा है। दो दिन के समिट में यूपी में सबसे ज्यादा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और हेल्थ सेक्टर में आने की उम्मीद है।